गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लेवल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 59। इस वीडियो सेशन में गाइस हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ राउट मॉडल बाइंडिंग। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। So, अगर मैं जाऊं एडिटर पे, ये रहा हमारा वही सेटअप जो कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में इंस्टॉल किया था, दैट इज laravel-8-inertia.js। अगर मैं जाऊं डेटाबेस में, ये रहा वो डेटाबेस जो कि उस एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है और यहां पर हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। सो अगर मैं ओपन करूं यूजर्स टेबल, हमारे यूजर्स टेबल में कुछ डमी यूजर्स की एंट्री है और ये वही यूजर्स हैं जो कि हमने यहां पर अपने फ्रंट एंड से रजिस्टर लिंक के थ्रू रजिस्टर किया था। सो इस वीडियो सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ राउट मॉडल बाइंडिंग। सो हम इस वीडियो सेशन में कुछ राउट्स देखेंगे, साथ ही साथ कुछ मॉडल को राउट के साथ बाइंड करेंगे और उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। सो हमारे इस यूजर्स टेबल में कुछ डमी एंट्रीज हैं कुछ यूजर्स के लिए और इस टेबल के लिए हमें जो मॉडल की नीड होगी दैट इज user.php। अगर आपके केस में कुछ और टेबल है लाइक एम्प्लॉयज, लाइक प्रोडक्ट्स, लाइक स्टूडेंट्स, सो आपको उनके एसोसिएटेड मॉडल की नीड होगी। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। सबसे पहले जो हमारे इस टेबल को जो पॉइंट कर रहा है दैट इज मॉडल एप मॉडल्स और user.php। सो जो टॉपिक है राउट मॉडल बाइंडिंग, इट इज वेरी स्ट्रेट कि हम मॉडल को राउट के साथ बाइंड करने वाले हैं। सो हम कैसे करेंगे, मैं जाऊंगा एडिटर पे। सबसे पहले मैं ओपन करने वाला हूं अपना web.php फाइल और इस web.php फाइल पे मैं इंपोर्ट करूंगा यूजर मॉडल। सो यूजर मॉडल हम यहां पर एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो राउट यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप, अगर मैं कहूं डेटा, मैं क्लोज राउट क्रिएट करूंगा। सो फंक्शन इको विद इन एस थ्री टैग, अगर मैं कहूं वेलकम टू डेटा पेज, अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं /data, प्रेस एंटर, वेलकम टू डेटा पेज। अगर इस राउट में कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना हो, इट मीन्स वी वॉन्ट टू एक्सेप्ट सम पैरामीटर वैल्यू, सो उसके लिए हम /, और यहां यूज करेंगे लाइक आईटी, मैं पास करूंगा आईटी। और अगर मैं कनकैटिनेट करना चाहूं उस आईटी वैल्यू को, सो हियर वी हैव आईटी वैल्यू। सो मैं जाऊंगा रिलोड करूंगा 404 नॉट फाउंड, ऑब्वियसली बिकॉज ये राउट को एक पैरामीटर की नीड है। अगर मैं पास करूं वैल्यू नंबर 10, सो वेलकम टू डेटा पेज 10। सो अब हम अपने मॉडल कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने इस राउट जो कि हमने क्रिएट किया है। सो सबसे पहले अगर मैं इस स्टैटिक मैसेज को रिमूव कर दूं और यहां पर जो वैल्यू हमने पास किया है, अगर इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में अगर हमें उस रिकॉर्ड को रीड करना हो, सो हम फर्स्टली कैसे उसे रीड करेंगे। सो यहां पर अगर मैं पास करूं लाइक 1, प्रेस एंटर, सो इस 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में जो हमारे पास डेटा है दैट इज दिस यूजर, इस यूजर के इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले फैच करेंगे। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। सो वैल्यू फैच करने के लिए यूजर्स टेबल से हम यूज करेंगे यूजर मॉडल। सो यूजर हम यूज करने वाले हैं फाइंड मैथड और इसके अंदर आईडी वैल्यू पास करेंगे और ये आईडी वैल्यू जो कि हमने यूआरएल में पास किया है। सो यहां पर मैं लिखूंगा डेटा प्री फॉर्मेटिंग टैग, सो PRE प्रिंट आर, और अगर मैं कहूं डेटा सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं रिलोड करूं, सो यहां पर हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आईडी वैल्यू 1 और इसके एसोसिएटेड में जो रिकॉर्ड है हमारे पास, आप देख सकते हो ये वो सारे वैल्यूज हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रीड करना हो लाइक नेम, ईमेल, सो सिंपली डेटा एरो ऑपरेटर एंड ईमेल, अगर मैं जाऊंगा रिलोड करूंगा एंड दिस इज ईमेल वैल्यू।
इसी तरीके से अगर मैं पास करूं यहां पर जो हमारे पास अगली आईडी है कॉल 4, अगर मैं 4 पास करूं, सो दिस इज ईमेल आईडी ऑफ फोर्थ नंबर यूजर आईडी। सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम नॉर्मल लेवल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। दिस इज नॉट राउट मॉडल बाइंडिंग। हम अपने इस राउट के साथ मॉडल को कैसे बाइंड करेंगे, सो इसी राउट को अगर मैं कॉपी कर लूं, पेस्ट कर लूं, सो दिस टाइम अगर मैं इसका नाम रखूं कॉल यूजर हाइफन डेटा, यूजर, ये यूजर क्या है, ये एक आईडी वैल्यू है और यहां पर इस फंक्शन के अंदर हम यूजर मॉडल को पास करेंगे, साथ ही साथ एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। सो सिंपली अगर मैं यहां जाऊं इको प्री फॉर्मेटिंग टैग प्रिंट आर, और अगर मैं कहूं यूजर सेव दिस चेंज, मैं यहां जाऊंगा रिलोड करूंगा। रिलोड करने के पहले हमें जो राउट चेंज करना है दैट इज यूजर हाइफन डेटा, इसे मैं कॉपी करूंगा यूजर हाइफन डेटा 1, प्रेस एंटर। सो यहां पर अगेन हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है और इस फर्स्ट यूजर आईडी के बिहाफ पे ये हमारे पास डिटेल है। एंड दिस टाइम ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज राउट मॉडल बाइंडिंग। ये हमारा राउट है और इस राउट के वैल्यू को हमने मॉडल के साथ बाइंड किया अपने इस क्लोजर फंक्शन में, और इंस्टेड कि हमने ये लॉजिक यूज किया टू फाइंड दैट रिकॉर्ड, हमने डायरेक्टली इस यूजर इंस्टेंस को अपने क्लोजर फंक्शन के अंदर क्रिएट किया और उसके वैल्यूज को हमने रीड किया है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर फिफ्थ नंबर वैल्यू पास करूं, प्रेस एंटर, स्क्रॉल करूं, सो ये हमारे पास फिफ्थ नंबर यूजर डिटेल है। अगर इस डिटेल से अगर हमें नेम वैल्यू फेच करना हो, सिंपली यूजर एरो ऑपरेटर एंड नेम वैल्यू, मैं यहां जाऊंगा रिलोड करूंगा एंड हियर इज द वैल्यू। सिंपली बाय डिफॉल्ट जो हमने यहां प्लेस होल्डर पास किया है, यूजर मॉडल को ये पता है कि बाय डिफॉल्ट इट्स एन आईडी वैल्यू। इन केस अगर सपोज यहां पर हमें नेम वैल्यू के बिहाफ पे अगर रिकॉर्ड को फेच करना हो, कहने का मतलब है यहां पर हमने आईडी वैल्यू 5 पास किया है, इन केस अगर इस ईमेल आईडी के बिहाफ पे वैल्यू को फेच करना चाहते हैं लाइक यूजर हाइफन डेटा sanjay@gmail.com, सो यहां पर करेंटली हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। सो ईमेल आईडी के बिहाफ पे डेटा को हम कैसे फेच करेंगे, सिंपली हमें इस राउट को बताना होगा, दिस टाइम वी आर सर्चिंग यूजर डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ ईमेल आईडी वैल्यू। सो यूजर कोलन सिंबल और यहां पर लिखेंगे हम कॉलम नेम। सो यूजर ईमेल, ईमेल इज नथिंग, इट्स अ कॉलम नेम। सो अब यूजर मॉडल को, यूजर इंस्टेंस को ये पता है कि जो प्लेस होल्डर वैल्यू हम फेच कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे हमें डेटा को कैलकुलेट करना है, दिस इज बाय यूजिंग ईमेल कॉलम वैल्यू। अगर मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा और हम देख सकते हैं हमारे पास नेम रिट्राइव हुई है जो कि हमने नेम फेच किया है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज राउट मॉडल बाइंडिंग। So, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम कंट्रोलर के थ्रू करना चाहते हैं, सिंपली मैं इस एनोनिमस फंक्शन को रिमूव करूंगा और हम एक एरे क्रिएट करने वाले हैं, और यहां पर जो हमारे पास कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं दैट इज एचटीटीपी कंट्रोलर्स, हमारे पास साइट कंट्रोलर अवेलेबल है, मैं सबसे पहले साइट कंट्रोलर को इंपोर्ट करूंगा, साइट कंट्रोलर, हम इस एरे में जाएंगे। सो हियर साइट कंट्रोलर इट्स अ क्लास, और इस क्लास के अंदर जो हम मेथड बनाएंगे समथिंग कॉल गेट डेटा, मैं साइट कंट्रोलर ओपन करूंगा, सो प्रेस कंट्रोल बी, यहां पर जाएंगे साइट कंट्रोलर, इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करने वाला हूं पब्लिक फंक्शन गेट डेटा, और इस फंक्शन के अंदर हम अपने यूजर मॉडल को पास करेंगे। सो यूजर, ये रहा हमारा यूजर इंस्टेंस, यूजर मॉडल इज गिविंग एरर क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, सो यूज यूजर मॉडल। और यहां पर अगर हम उसी कोड को इंप्लीमेंट करें दैट इज इको पीआरई टैग, और अगर मैं कहूं प्रिंट आर सिंपली यूजर मींस यूजर के सारे इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, जबकि इंफॉर्मेशन फेच होगी बाय द हेल्प ऑफ ईमेल वैल्यू। सो अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर को रिलोड करूंगा, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ईमेल आईडी वैल्यू हमारे पास सारे वैल्यूज रिट्राइव हो चुके हैं।
If we want to fetch only the name value, simply use the arrow operator and name value. मैं सेव करूंगा, रिलोड करूंगा एंड हियर वी हैव द नेम वैल्यू. अगर मैं इस PR को रिमूव कर दूं एंड इंस्टेड ऑफ प्रिंट R, अगर हमें सिंगल वैल्यू को प्रिंट करना हो, सो विल यूज echo सेव एंड हियर इज द नेम वैल्यू. सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.